नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज जो सबसे पहले बात होगी कि आखिर क्यों बीजेपी बहुमत से दूर रह गई। ओरछा में एक संत ने इसकी वजह बताई है। सिंगरौली में कैसे बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की कोशिश की, ये भी दिखाएंगे। सीधी के गांव में मगरमच्छ घुस गया, जिसके बाद कैसे लोग दहशत में आ गए, ये भी दिखाएंगे। दिखाएंगे कैसे भोपाल में स्टंटबाज बेखौफ स्टंट कर रहे हैं। बात एक ऐसे बदमाश की होगी जो चाकू की नोक पर लोगों से डांस करवाता है। कहां अस्पताल में भालू पहुंच गया, ये भी बताएंगे। ये सभी खबरों में आगे बढ़ेंगे, विस्तार से देखेंगे। उससे पहले सबसे बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। संसद भवन में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक है। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष का चुनाव होगा। राहुल गांधी का नेता विपक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। सोनिया फिर चुनी जा सकती है संसदीय दल की अध्यक्ष। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी शामिल है। संसदीय दल की बैठक कांग्रेस की, ये बेहद खास इस बैठक को माना जा सकता है। इस बैठक के बाद कई बड़े फैसले निकल करके सामने आएंगे कि आखिर राहुल गांधी आगे क्या बड़ा फैसला लेते हैं, क्या विपक्ष के नेता वो बनने को तैयार होंगे। जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि अभी मैं सोच विचार करूंगा, जल्दबाजी में हाँ नहीं कह सकता। हो सकता है अब इस पर फाइनल मुहर लग जाए और विपक्ष के नेता जो है राहुल गांधी हो जाए। तो अब देखना होगा बैठक के बाद क्या होता है। ज्यादा जानकारी के लिए शिवम प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हो रही है, कितनी देर लगभग ये बैठक चलेगी और क्या लगता है कि राहुल गांधी पर जिस तरह से दबाव कहें या उन्हें कहा जा रहा है कि आप विपक्ष का नेता बनिए, क्या लगता है वाकई में वो हामी भरेंगे इस पर? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है, लगभग एक से डेढ़ घंटे चलेगी ये बैठक। इसमें न सिर्फ संसदीय दल की नए अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी को चुना जाएगा, बल्कि जितने भी नवनिर्वाचित एमपी आए हैं उनसे संसदीय दल लगातार बातचीत करेगा। और इस बैठक का एक देखिए बेसिक तात्पर्य ये कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री जो पार्टी है उसमें हर बार उसकी सीपीपी चेयरपर्सन बनाई जाती है और इस बार भी सोनिया गांधी को बनाया जाएगा। उसी बैठक में राहुल गांधी से एक बार फिर अपील की जाएगी कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष यानी कि लोकसभा में कांग्रेस नेता के पद को स्वीकार करें। सूत्र ये दावा कर रहे हैं सीडब्ल्यूसी बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मजाक के स्वर में राहुल गांधी से ये कहा था कि अगर आप इसको नहीं स्वीकार करेंगे तो मैं आप पर कार्रवाई करूंगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई करूंगा। और उन्होंने उस वाक्य का भी जिक्र किया जब सोनिया गांधी ने राज्यसभा के नेता के तौर के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा था और जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने ना नुक्कुर की तो उन्होंने भी यही कहा था कि ये मेरा आदेश है और अगर आप इसका पालन नहीं करते तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो माना ये जा रहा है कि इस सीपीपी की बैठक में भी सोनिया गांधी को पहले चेयरपर्सन चुना जाएगा और उसके बाद सभी सांसद अपील करेंगे कि राहुल गांधी नेता लोकसभा का पक्ष स्वीकार करें, क्योंकि कांग्रेस के बाद इस बार आंकड़े बहुत अच्छे आए हैं। ऐसे में इस बार एलओपी का जो दर्जा है वो मिलेगा। हालांकि अभी तक राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है, माना ये जा रहा है कि कुछ दिनों में वो निर्णय ले सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम, लगातार इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से कैसे दूर रह गई, इसका जवाब तलाशने में पार्टी से लेकर राजनीति के जानकार तक जुटे हुए हैं। लेकिन ओरछा में एक संत ने इसकी वजह बता दी। संत राजेंद्र दास जी महाराज ने बताया कि आखिर क्यों बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई, अपने दम पर बहुमत से दूर रह गई। वजह क्या रही, इस पर मंथन का दौर जारी है। लेकिन राजनीतिक जानकारों से पहले संत राजेंद्र दास जी महाराज ने बता दिया है कि बीजेपी को बहुमत क्यों नहीं मिली। संत राजेंद्र दास जी महाराज का दावा हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि ओरछा के राम राजा सरकार ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन वो राम राजा सरकार के दर्शन करने नहीं आए और यही वजह है कि इस बार उन्हें बहुमत नहीं मिली। आप भी सुनिए संत राजेंद्र दास जी महाराज ने क्या कहा। उसी के परिणाम से अच्छी सरकार आई, बहुमत से आई, और उस समय भी ये बात कही गई थी कि वो जो हम लोगों का संकल्प है वो पूरा हो तो प्रधानमंत्री रामराजा सरकार का दर्शन करें, लेकिन नहीं अब तक हो पाया।
उसका परिणाम भी सामने आ गया। मोदी बहुमत से दूर क्यों हुए? जगत गुरु श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने सिर्फ यही नहीं बताया, बल्कि 2014 में मोदी प्रधानमंत्री कैसे बने उन्होंने ये भी बताया। ओरछा में चल रही भक्तमाला कथा के दौरान राजेंद्र दास जी महाराज ने कहा कि देश को अच्छी सरकार मिले, इसके लिए 2014 के पहले ओरछा धाम में 18 करोड़ बार श्री राम जय राम का जप किया गया था, जिसके बाद पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। उस वक्त ये बात कही गई थी कि संकल्प पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम राजा सरकार के दर्शन करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिल सकी। देखो, एक बात हम प्रसंगवश बता रहे हैं, इसी ओरछा धाम में 2014 के पहले 18 करोड़ श्री राम जय राम का जप सविधि हुआ था, उसी के परिणाम से अच्छी सरकार आई, बहुमत से आई। और उस समय भी ये बात कही गई थी कि वो जो हम लोगों का संकल्प है वो पूरा हो तो प्रधानमंत्री रामराजा सरकार का दर्शन करें, लेकिन नहीं अब तक हो पाया, उसका परिणाम भी सामने आ गया। जगत गुरु श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने कहा कि जो कसर रह गई है वो पूरी हो सकती है अगर प्रधानमंत्री ओरछा आकर श्री राम राजा सरकार को दंडवत करें। कि चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ी कमजोरी तो कसर तो रह गई तो रह गई, तो कोई बात नहीं, कसर रह गई तो रह गई, लेकिन अभी भी कसर पूरी हो जाएगी। इस देश के होने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने पूरे परिकर के सहित ओरछा धाम में राम राजा सरकार के चरणों में दंडवत करने जरूर आना चाहिए। बीजेपी को बहुमत क्यों नहीं मिली, ये तो राजनीतिक मंथन का मुद्दा है, लेकिन जगत गुरु श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने इसकी वजह प्रधानमंत्री का ओरछा न आना बताया है और मोदी से ओरछा आकर राम राजा सरकार के दर्शन करने की अपील की है। ओरछा से हृदेश कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।